Welcome future engineer, what is a Proteus? This is our topic of this video. तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि Proteus है क्या और आप इस सॉफ्टवेयर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं या आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग, तो आपको इस सॉफ्टवेयर से जरूर वास्ता पड़ता है। चलें इस सवाल के ऊपर से पर्दा उठाते हैं कि व्हाट इज अ Proteus। तो Proteus के बारे में बात करते चलें तो ये सबसे पहले जो आप इंटरफेस देख रहे हैं ये Proteus का इंटरफेस है। अगर मैं आपको ये डेस्कटॉप के ऊपर दिखा दूं तो ये जो लोगो है ये Proteus का लोगो है जो कि Proteus 8 प्रोफेशनल कहलाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बताता चलूं कि मैंने Proteus के ऊपर एक सीरीज का आगाज किया है जिसका नाम है Proteus ट्यूटोरियल। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको Proteus का फ्रॉम बिगनिंग टू द एडवांस फ्रॉम ए टू सी हर चीज सिखाऊंगा और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, देन आप उसे बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी से सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कर दें इस वीडियो को और साथ में कमेंट करें जो चीज भी आपको अच्छी लगी या जो आप पूछना चाहते हैं उस बारे में। तो अगर आपको स्कीमेटिक बनाना है, आपको पीसीबी डिजाइन करना है, आपको अपने सर्किट को प्री डिफाइंड इंप्लीमेंट करना है, यानी ये कि एक प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, आपको कोई चीज बनानी है, आपको एक ऑटोमेटिक लाइट बनानी है, आपको कुछ भी अगर बनाना है, तो देन आप सिंपली पहले उसे सिमुलेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। आप उसे ऐसे ही Proteus जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करते हैं, आप उसको देख आउटपुट्स देखते हैं एंड देन आप डिसाइड करते हैं उसे बनाना। किसी भी सर्किट को प्रैक्टिकली बनाने से पहले हम लोग उसे सिमुलेशन करके देखते हैं, जैसे कि ये एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का सर्किट है और इसे सिमुलेट करके पहले हम लोग देखेंगे Proteus के ऊपर एंड देन हम लोग उसका प्रैक्टिकली करेंगे। इसी के अलावा ये Arduino का सर्किट है, Arduino जो कि अटैच है एक 7 सेगमेंट LED के साथ, तो उसको पहले हम रन करते हैं, जो भी इंप्लीमेंट हमने करना होता है पहले हम उसे सिमुलेशन करते हैं उसकी, और सिमुलेशन के लिए जो बेस्ट टूल है वो हमारे पास एज अ स्टूडेंट Proteus है। Proteus के अंदर बेशुमार हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं और उन लाइब्रेरीज की मदद से हम लोग कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये बेशुमार किस्म के कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, और उसके अलावा आपके पास बेशुमार किस्म की यहाँ पे लाइब्रेरीज एक्सटर्नली भी होती हैं जिन्हें हम इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उन कंपोनेंट्स को भी यूज कर। जब आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो देन आपके पास ये एक प्री डिफाइंड या डिफॉल्ट लाइब्रेरीज यही होंगी जो कि यहाँ पर तकरीबन कोई 30 से 35 है, और ये लाइब्रेरीज में तकरीबन हर चीज मौजूद होगी। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई Arduino की लाइब्रेरी ऐड करनी है, वो कैसे करनी है, उसका भी तमाम इस सीरीज में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको बताता चलूँ कि इस चैनल के ऊपर सीरीज का आगाज हो रहा है जो कि है Proteus ट्यूटोरियल, और वो सीरीज के आगाज की ये पहली क्लास है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज Proteus। तो Proteus का तो आपको अब तक बेसिकली पता चल चुका होगा कि ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सिमुलेशन रन कर सकते हैं और जिसके अंदर हम लोग पीसीबी डिजाइन बना सकते हैं। ये आपके पास पीसीबी डिजाइनिंग की विंडो ओपन हो चुकी है, दूसरी तरफ ये स्कीमेटिक विंडो है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सेव करने की कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स सिलेक्शन की कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ मोड्स हैं जैसे कि सिलेक्शन मोड, और यहाँ पे हमारे पास बेशुमार किस्म की चीज़ हैं, और हम बारी बारी एक एक वीडियो में 2 से 3 मिनट लेते हुए सिर्फ हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट मोड क्या होता है। कंपोनेंट मोड के ऊपर थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करना, बेसिकली सिलेक्ट करना तो बहुत ईजी है, लेकिन हम डीपली सिलेक्ट करके देखेंगे कि इसमें ये डिस्क्रिप्शन क्या ज़रूरी है, ये क्यों लिखी हुई है, और हमें इन डिस्क्रिप्शन का ख्याल रखना चाहिए सिलेक्शन करते वक्त या नहीं। उसके अलावा ये प्रीव्यूज में स्कीमेटिक मोड एंड पीसीबी प्रीव्यू में डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये सब कुछ क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये पीसीबी प्रीव्यू कैसे क्या है, इसका क्या मतलब है, तो ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे इस सीरीज में। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट कर दें अगर आपको किसी भी तरह कोई मसला या कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, उतने देर तक लगे रहो इंजीनियर्स।